द्वारा इंदिरा पार्क के निकट से धरना चौक को हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ तेलंगाना जेएसी द्वारा आयोजित की जाने वाली रन के दौरान उसे विफल करते हुए तेलंगाना जेएसी के चेयरमैन कोंदन राम सहित पुलिस ने कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। अब उनका एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना जेएसी के चेयरमैन कोंदन राम ने इसे सरकार की दमनकारी नीति का हिस्सा बताया। साथ ही कहा कि संविधान द्वारा नागरिकों को विरोध दर्ज कराने के दिए गए अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संविधान ने अपनी बात अपने तरीके से रखने का हर किसी को अधिकार दिया है। धरना चौक हटाने का अर्थ संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का हनन है। उन्होंने धरना चौक को हटाने का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन तेज होगा। कोंदन राम ने आगे कहा कि सरकार द्वारा उससे प्रश्न करने वालों मुंह बंद करने का प्रयास करना भविष्य में सरकार के लिए हानिकारक साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की रीडिजाइन करने को गलत ठहराते हुए कहा कि ये सब जनता या किसान नहीं बल्कि ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रश्न करने वालों पर अंकुश लगाने के बजाय सरकार को चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर कब्जा जमाने वाली कॉरपोरेट शक्तियों पर वो नियंत्रण करे। कोंदन राम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों और जनता के पक्ष में आवाज उठाने वालों पर विकास विरोधी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण केंद्र के वर्ष 2013 के कानून के तहत करने और पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।